नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम बात करेंगे हम चुनाव में असल मुद्दे गौण और दूसरे मुद्दे हावी। जी हां, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मूल मुद्दे जो आदमी के जुड़े हुए थे, पानी, बिजली, सड़क, नौकरी, व्यवसाय, वो सब इन दिनों ऐसा लगता है बिल्कुल कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ उनको गिन नहीं रही है। और बाकी दूसरे मुद्दे, चाहे वो कैसा भी हो, धर्म हो, जाति हो, या फिर राष्ट्रवाद हो, आतंकवाद हो, इस तरह की बातें इस समय हावी है राजनीति में। और जनता की जो मूलभूत आवश्यकताओं की बात जो पार्टियां करती थी, राजनीतिक दल करते थे, वो लगता है इन चुनाव में कहीं ना कहीं खोते से जा रहे हैं, गौण हो गए हैं। हालांकि चुनावी घोषणा पत्रों में जरूर राजनीतिक पार्टियों ने इन बातों को शामिल किया है, महंगाई हो या पेट्रोल डीजल की दाम हो या और अन्य कोई बातें, लेकिन चुनावी सभाओं में ये सब बातें नदारद नजर आती है। इन्हीं सब बातों पर मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं स्टूडियो में AK जैन साहब, राजस्थान हाईकोर्ट से हैं, अधिवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब। गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, कर्मचारी नेता है। गजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। AK जैन साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है चुनाव ज्यों ज्यों जोर पकड़ रहा है, दो चरण निमट चुके हैं और मतदान आज भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जिस तरह की सभाओं में नेताओं की जो भाषण है उनमें जो चुनावी मुद्दे थे, जो उनको आप चुनावी मुद्दे मान सकते थे, वो चुनावी मुद्दों की गूंज कहीं सुनाई नहीं देती है। और अब आरोप प्रत्यारोप, धर्म, राजनीति, इस तरह की बातें ही सिर्फ उठकर सामने आ रही है। ऐसा लगता है जनता के मुद्दे कोई अहमियत नहीं रखते हैं। जिस तरीके से वर्तमान चुनाव चल रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद चुनाव में एक दूसरे को गाली गलौज करना, कभी मंदिर, कभी कभी मस्जिद, कभी गाय, ये ही मुद्दे रह जाने वाले हैं। देश की आर्थिक स्थिति क्या चल रही है, नौजवानों को रोजगार की क्या स्थिति चल रही है, देश का विकास के लिए क्या होना चाहिए, पानी, सड़क, बिजली की क्या स्थिति है, महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति है, ये सब मुद्दे शायद लगता है कि कम से कम इस चुनाव में तो गौण हो गए। पर ये कोई पहली बार नहीं हुआ है हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब मुख्य मुद्दे जो जनता के गवर्नेंस के मुद्दे होते हैं, 5 साल में चुनाव कराने की व्यवस्था इसीलिए रखी गई थी कि 5 साल में जनता मूल्यांकन करे कि जो सरकार थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जनता के हित में कितना काम किया है और आगे उनके पास करने के लिए क्या प्लान है। परंतु कई बार ऐसी स्थितियाँ बदली है, जैसे 1972 में हम बांग्लादेश वार जीतने के बाद कई राज्यों में चुनाव हुए थे, उस समय सिर्फ बांग्लादेश की जीत ही एक चुनावी मुद्दा रह गया था। 1984 में देश के प्रधानमंत्री की एक हत्या हुई थी इंदिरा गांधी की, और उस समय ऐसी स्थिति बनी कि जो महंगाई, बेरोजगारी, सारे के सारे मुद्दे एक तरफ चले गए थे और पूरे देश में ऐसी माहौल चला कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग चुनाव हार गए थे। उसके बाद 92 का चुनाव भी याद करें, जब मंदिर मस्जिद मुद्दा पे बन गया था इस बात के देश इसके देश में, जब बेरोजगारी फैली हुई थी, आतंकवाद सर फैला रहा था, तब हमारा मुद्दा ये था कि मंदिर किसने गिराई, मस्जिद कौन बना, मंदिर कौन बनाएगा, या किस तरह से कास्ट लाइन पर डिविजन्स होता जा रहा। और लगभग वही स्थिति इस चुनाव के बाद हो गई है कि यहाँ एक मुद्दा बन गया राष्ट्रवाद, सेना, गोहत्या, या कुछ ऐसे ऐसे लोग जो मतलब से शहीदों पर यहाँ पर से एक तरह से राजनीति हो रही है। पर ये स्थितियाँ पर टेम्परेरी हैं, ये एक चुनाव में ये स्थिति रह सकती है, पर जब अगला चुनाव होता है इन सारी स्थितियों के बाद, तो हमें याद रखना चाहिए कि 1972 में और 71 में थम्पिंग मेजोरिटी से इंदिरा गांधी आई थी, और उसके बाद 1977 में जब उन मूल मुद्दों से वो कुछ नहीं कर पाई थी तो उनको जनता ने क्या रास्ता दिखाया था। ऐसे ही 1984 में 400 सीटें जीतकर कांग्रेस आई थी, परंतु वो देश को गवर्नेंस नहीं दे पाई, तो 1989 में उसी कांग्रेस को बरसों बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा था, साधारण मेजोरिटी भी नहीं आ पाई थी। तो एक चुनाव में तो ये मुद्दे हो सकते हैं कि असर कर जाए, पर अगले बार जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से बार बार ये मुद्दे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर जब जब मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है, दूसरे मुद्दों पर काम किया जाता है, तो फिर हो सकता है अगली बार इसका खामियाजा भी गुतना पड़े। गजेंद्र जी, आपको क्या लगता है चुनाव में, आपको लगता है जो आम आदमी का मुद्दा है, आम आदमी की समस्या है, उन पे कोई राजनीतिक पार्टियां ध्यान दे रही है, सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का काम किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव आते हैं तब घोषणा पत्र बनाते हैं, और घोषणा पत्र तो एक नाममात्र का रह जाता है, एक रद्दी की टोकरी हो जाती है, क्योंकि घोषणा पत्र चुनाव से पहले बनाया जाता है और कई बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं, पर कई बार चुनाव में मुद्दे
से घोषणा पत्र से भटक के और अलग अलग मुद्दों पे राजनीति होती है और आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, तो घोषणा पत्र तो गौण हो गया। अभी इन्होंने कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई सी पार्टियां हो, सब ने अपने अपने घोषणा पत्र बनाए और वो घोषणा पत्र हमें जो जनता है उसको लुभाने के लिए बनाए कि हम 5 साल हमारे पास सत्ता रहेगी तो हम लोग आपकी ये सुविधाएँ देंगे और ये हम घोषणा करते हैं कि चुनाव में जीता हो हमें और हम लोग आपको ये जो वादे करते हैं वो पूरे करेंगे। और होता क्या है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा 5 साल पहले भी पार्टियों ने घोषणा पत्र बनाया था, वो घोषणा पत्र पूरा हुआ या नहीं हुआ, और आज घोषणा पत्र बना है, क्या गारंटी है कि वो आगे 5 साल में घोषणा पत्र पूरा कर पाएंगे। तो मैं जैसे आप कहीं अब न्यायालय में जाते हैं या कहीं कोर्ट में जाते हैं, वकील साहब बैठे हैं, तो वहाँ क्या होता है कि जिस धर्म का आदमी होता है उससे वो शपथ दिलाई जाती है कि ये कुरान या बाइबल या जैसे हमारी गीता पे हाथ रख के जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। तो ये जिन पार्टियों का घोषणा पत्र है उनकी ये बाइबल और कुरान है, मैं जहाँ तक समझता हूँ गीता बाइबल कुरान के बराबर है और ये जनता से वादा करते हैं, उसके बावजूद भी ये 5 साल में इनको एक को पूरा नहीं कर पाते, कुछ पूरा मैं नहीं समझता कि 100% या 50% भी वादे पूरे किए जाते हैं। तो इस स्थिति में चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने इन घोषणा पत्र को वहाँ सबमिट होना चाहिए और जब चुनाव आते हैं तो उस घोषणा पत्र के बारे में ये कैलकुलेशन होना चाहिए कि कितना आपने वादे पूरे किए कितने नहीं किए। दिख रहा है गजेंद्र जी चुनाव में नेताओं की भाषाओं में लग रहा है, कहीं भाषणों में दिखाई दे रहा है कि वो जनता के जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में क्या कर दिया, 5 साल में आने वाले 5 साल में क्या करेंगे सरकार में आते हैं, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी का सुनाई दिया आप लोगों को? नहीं, निश्चित तौर पे इस चुनाव में अभी जो चल रही है भाषण चल रहे हैं जहाँ भी प्रचार प्रसार चल रहा है, अभी घोषणा पत्र 3-4 दिन तक रहा था, वो घोषणा पत्र चाहे किसी भी पार्टी का हो 3-4 दिन तक मुद्दा रहा था, उसके बाद में वो घोषणा पत्र गौण हो गया और नए नए मुद्दे आ गए। तो मैं समझता हूँ कि सभी पार्टियों को अपने घोषणा पत्र पे और अपनी जनता से किए गए वादों पे विस्तार से बताना चाहिए और वोट लेना चाहिए जिससे आगे आने वाले 5 साल बाद में उसका जवाब जनता दे। वकील साहब जैसे इन्होंने कहा कि क्यों नहीं राजनीतिक पार्टियाँ अपने घोषणा पत्र को जनता के बीच रखे, जब जारी करते हैं तो उस पर जोर शोर से बात होती है, बड़ा चढ़ाकर बात होती है, लेकिन उसके बाद जब चुनावी सभाएं होती है तो उस घोषणा पत्र पर कोई चर्चा भी नहीं करता, बात भी नहीं करता है, क्योंकि यदि उसे सार्वजनिक रूप से रखा जाएगा तो जनता फिर हिसाब मांगेगी कि आपने ये कहा था और आज ये नहीं हुआ है तो आखिरकार आपको वोट क्यों दिया जाए। लेकिन अब तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर लांछन लगाना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, कहीं न कहीं जो मूल मुद्दे हैं, जिस महंगाई की बात की जा रही थी, जिस गरीबी की बात की जा रही थी, उस बात पर कोई विचार नहीं है, चर्चा नहीं है, उस पर कहीं बहस नहीं है। लेकिन 1989 में जब चुनाव हुआ था, चौधरी देवीलाल जब उसके बाद उप प्रधानमंत्री बने थे देश के, तो ध्यान उन्होंने एक ही बात कही थी कि चुनाव के घोषणा पत्र को कौन पढ़ता है, आप इसमें कुछ भी लिख दो और कुछ भी चला दो। जब उनसे पूछा गया था कि घोषणा पत्र में तो यह था, उसने कहा घोषणा पत्र तो सिर्फ बनाने के लिए किया जाता है, हमें तो ये भी पता नहीं था कि हमारे घोषणा पत्र के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो घोषणा पत्र की स्थिति तो वास्तव में ऐसी कर दी कि आजकल घोषणा पत्र को तो कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। आपने सही बात कहा कि इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करना चाहिए था, आप बताइए कि मेरी ये पॉलिसीज रहेंगी, 5 साल बाद जब आप गए तो आपको बताना चाहिए था कि इतना तो मैंने अचीव कर लिया, इतना मैं अचीव नहीं कर पाया, कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया। सरकार आई राजस्थान में भी, अभी 4 महीने पहले सरकार बनी, राजस्थान सरकार को भी ये लेकर आना चाहिए कि हमने ये कहा था 4 महीने में हम इस डायरेक्शन में इतना बढ़े या नहीं बढ़े तो क्यों नहीं बढ़े। परंतु ऐसा लगता है कि ये सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र मात्र एक बस एक कागज का पुलंदा होकर रह जाता है, जो चुनाव के समय क्योंकि एक औपचारिकता है कि घोषणा पत्र घोषित करना, इसलिए घोषणा पत्र बताया जाता है, घोषणा पत्र पालना करने के लिए कभी हो सकता है। चुनाव में निश्चित रूप से, चुनाव में इस देश के बेसिक मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं इस देश में। इस देश के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस देश के अंदर आम आदमी को प्राप्त स्वास्थ्य की सुविधाएं एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस देश में महिलाओं की सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कि आज भी इस देश में बढ़ता हुआ कट्टरवाद और आतंकवाद भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पर इन मुद्दों की बड़ाई हम सारे के सारे पुलवामा और बालाकोट और चौकीदार चोर है और राफेल पर ही अगर उलझ के रह जाएंगे या
साबरीमाला में महिलाओं को घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए, या फलानी जगह की 3 तलाक को कितना माने और कितना नहीं माने, यह हमारा राष्ट्र विरोधी है या देश विरोधी है, यह मंदिर कहाँ बनेगा, मस्जिद कहाँ बनेगी, और ये गोवध के बारे में या इसके बाद लिंचिंग जैसे मामलों में उलझ के रह जाएंगे, तो फिर ऐसा लगता है कि ये चुनाव नहीं होके और एक तरीके से एक ढकोसला होता है जिसको बनकर रह जाएगी मात्र। गजेंद्र जी, जैसा इन्होंने कहा कि सीधा सीधा तौर पर जो चुनावी मुद्दे हैं उन पर बहस होनी चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए, चुनावी भाषणों में भी नेताओं को उन बातों को अहमियत देनी चाहिए। इस देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हम कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में सर्वाधिक बेरोजगार है जो आज रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व ही एक इंजीनियर ने अपने 3 बच्चों को और पत्नी को इसलिए मार दिया और उसके बाद खुद सुसाइड कर ली। उसने सुसाइड नोट लिखा कि वो अपनी नौकरी जाने से परेशान था और उसने परेशान होकर इस तरह का कदम उठाया। अभी कुछ दिन पहले ही जेट में जिस तरह से कर्मचारियों की को हटाया गया है और लगातार जिस तरह के उनके वाक्यात आ रहे हैं, जिस तरह प्राइवेट कंपनियां लगातार बंद हो रही है, सरकारी कंपनियां भी, सरकारी नौकरियां भी नहीं रही है, ऐसे में लोग बेरोजगारी के चलते आत्महत्या को लगातार गले लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की थी कि हम देश में रोजगार के साधन कैसे सृजित करें। जरूरी नहीं है कि हर आदमी को सरकारी नौकरी ही मिले, लेकिन कम से कम रोजगार के साधन कैसे सृजित करेगी, ये राजनीतिक पार्टियों ने कहीं बताने की चेष्टा नहीं की है। गजेंद्र जी, निश्चित तौर पे आज जो सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा है वो युवाओं को रोजगार देने का है। पिछली सरकार ने कुछ स्किल इंडिया के नाम से जो किया था उसमें भी मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से उसको कारगर साबित नहीं हो पाई, और युवाओं को अगर रोजगार नहीं दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जो सारी अर्थव्यवस्था हो चाहे भौगोलिक व्यवस्था हो, युवाओं पर टिकी हुई है, और युवाओं को रोजगार तो मस्ट होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक जितने लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको संविदा पे रखे हुए हैं सरकार द्वारा या कहीं भी रखे हुए हैं, और उनको भी जो न्यूनतम वेजेस तक नहीं दिया जा रहा, तो ये चीज़ें सारी मिलके उनका भविष्य ख़राब हो रहा है। क्योंकि मैं अगर सरकारी योजना में कहीं संविदा पे लगता हूँ और मेरा जो मुझे आशाएं होती है कि सरकार कभी न कभी मुझे सरकार के अभिन्न अंग मानेगी, मुझे स्थायी करेगी, और उसके बाद में मैं ओवरएज हो जाता हूँ तो भी ये बहुत बड़ी समस्याएं होती है। इसलिए सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि सरकार में जहाँ भी ठेका प्रथा भी है या संविदा पे लगे कर्मचारी हैं या इन लोगों को आपको एक योजनाबद्ध तरीके से स्थायी करने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जैसे आपको मैं बता दूं, आज राजस्थान हिंदुस्तान में जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं और उनकी एक ही डिमांड आज सर हर कर्मचारी की, 2004 के बाद जो कर्मचारी लगता है उनकी पेंशन योजना बंद कर दी गई और नई पेंशन योजना है जो पता नहीं कहाँ उसका अंश कट के, और सरकार भी उसमें मिलाती है, पैसे जमा होते शेयर मार्केट में और उसका कोई गारंटी नहीं उसको सेवानिवृत्ति के बाद कितने मिलेंगे। और आज एक 2004 के बाद में एक विधायक, एक सांसद, जनप्रतिनिधि चुना जाता है और उसको 5 साल हो चाहे 3 साल हो या 2 साल हो, वो जब से हटता है उस पद से, जब नए चुनाव होते हैं तो उसको पेंशन आज भी लागू। बड़ा मुद्दा उठाया कि कर्मचारी पूरे जीवन भर सर्विस करता है, सेवा करता है, लेकिन उसको सेवा लाभ नहीं मिलते हैं क्योंकि पेंशन योजना में जो बदलाव किया गया है कहीं ना कहीं उसके चलते उसको नहीं मिलती है। लेकिन एक सांसद, चाहे विधायक हो चाहे MP हो, वो चाहे 1 साल रहे चाहे 2 साल रहे या पूरे 5 साल रहे, उसकी पेंशन हर 5 साल में बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी जनता के बीच घर कर रही है कि आखिरकार हमारा क्या दोष है। बात करते हैं सीधे जैन साहब से। जैन साहब, सुना है 1967 में सिर्फ गोवध के नाम पर चुनाव हुए थे और उसमें कांग्रेस को 8 या 9 राज्यों से अपनी सत्ता खोनी पड़ी थी। अभी भी हालात ऐसे चल रहे हैं कि जब हम मूल बातें नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राफेल है, कहीं चौकीदार चोर है, और कहीं सर्जिकल स्ट्राइक है, तो कहीं कुछ और है, और इन्हीं सब बातों में देश के युवा, देश का लोग सब उलझ कर रह गए हैं। आपको लगता है इन चुनाव में भी इसी तरह का मामला है और कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिल रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि
जो मुद्दों पर चुनाव न होके और इन कभी गो हत्या पर चुनाव होने लगेंगे, 8 सरकारें चली जाएंगी, या राफेल पर या सर्जिकल स्ट्राइक पर चुनाव होने लगेंगे, तो वही स्थिति होगी। आपने एक बहुत बड़ी बात की, देश के सामने आज मुद्दा होना चाहिए था कि एक की क्या स्थिति आई थी कि एक पढ़े लिखे इंजीनियर को सिर्फ अपनी एक नौकरी चली जाने पर 3 बच्चों को और पत्नी को इसलिए खत्म करना पड़ा कि वो उनका पालन नहीं कर सकता था, इसलिए कर सकता था। एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, बात एक छोटी सी नहीं है, ये इंडिकेशन है सामाजिक असुरक्षा की। आज इस देश को सामाजिक, आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। जेट एरियज के 20,000 कर्मचारी सड़क पाए, आज हर आदमी इस बात के लिए दुखी है कि मैं अपने बच्चे की फीस कैसे जमा करूँगा, मैं अपने घर की जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसे दूंगा, अपनी गाड़ी पे और घर के सामान पर जो मैंने लोन ले रखा है उस पर मैं अपनी इंस्टॉलमेंट्स कैसे दूंगा, ये एक मुद्दा। यही समस्या ये केवल सिर्फ मिडिल क्लास की या पढ़े लिखे लोगों के साथ ये स्थिति है कि मात्र, यानी इस देश में कोई सामाजिक सुरक्षा ही नहीं रही। कि आज एक कंपनी बंद हुई और एक पढ़े लिखे जिसने लाखों रुपया खर्च करके जो इंजीनियर बन के आया उसको बाहर होते ऐसी स्थिति आ गई कि उसके अपने परिवार को मार देना पड़ा। और अगर ये स्थिति यहाँ तो नीचे के लेवल पर क्या स्थिति, यही स्थिति उस आदमी की है जो दिन मजदूरी के आधार पर काम करता है, यही आदमी उस स्थिति की भी आ सकती है जिसके घर में अचानक कोई बड़ी बीमारी आ गई तो उसको अपना इलाज करने के लिए या तो अपने बच्चों को बेचना पड़ता है या खुद को बेचना पड़ता है या अपने अंग बेचने पड़ते हैं। जो आपने रोजगार की बात की वो भी एक सामाजिक सुरक्षा का ही मुद्दा है, पर इस देश में आज ये मुद्दा नहीं है कि एक जवान इंजीनियर को ऐसी हम कैसी ऐसी क्या व्यवस्था हमने दी है। हालात का सामना जेट एयरवेज से निकाले गए कर्मचारियों के सामने भी संकट खड़ा हो गया और हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसी ही शर्मनाक बातें हमको पढ़ने को मिले जिस तरह के हालात है, क्योंकि वो इतनी बड़ी डिग्रियां करने के बाद वो नौकरियां कर रहे हैं अच्छी वाली, जैसा कि आपने बताया, अब महंगे घर, महंगी गाड़ियाँ और सब किस्तों पर, क्योंकि सब चीज़ किस्तों पर मिलने का फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है, क्योंकि लोगों ने लोन, जब नौकरी होती है तो लोन लेता है और जब नौकरी नहीं होती तो लोन चुकाने के भी संकट खड़े हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में फिर वो कई तरह की जो है दुर्घटनाओं को जन्म देती है। लेकिन कहीं ना कहीं देश में अभी नेताओं ने बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बनाया है। गजेंद्र जी, एक विषय और आया है कि जो हमारे देश में अभी भी स्वास्थ्य आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को, क्योंकि सरकारें भले ही किसी पर बजट खर्च करे या नहीं करे लेकिन कम से कम शिक्षा स्वास्थ्य पर भी फोकस करना होगा। किसी भी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा नहीं कहा कि हम फ्री इलाज करेंगे, ताकि, क्योंकि राजस्थान में ये योजना चल रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा, दर्शक भी इस बात को मानते हैं कि इस योजना से कम उन गरीब लोगों को जरूर अस्पताल में इलाज होने लगा है जिनके माँ बाप पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ देते थे, कम से कम वो अब अस्पताल में ले जाकर कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। लेकिन यदि यही योजना देश में आती तो जिस तरह के भयावह हालात का सामना करना पड़ रहा है वो स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। क्या आपको लगता है इन पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह की कोई योजना तो लागू करनी चाहिए जिससे आम आवाम को इसका फायदा मिल सके? जो एजुकेशन पिछले 4 दिन से राजस्थान में फीस वृद्धि को लेकर लोग सड़कों पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जितनी लोगों की तनख्वाहें नहीं है उससे ज्यादा बच्चों की फीस है, उससे ज्यादा स्कूली किताबों की पैसे हैं, NCERT में जो किताब 80 रुपए की 50 रुपए की आ रही है वो 450 रुपए मिल रही है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है चारों ओर लूट और कसोट की दुकानें खुल गई है लेकिन अंकुश नाम की चीज नहीं है। क्यों नहीं राजनीतिक पार्टियां इन चुनाव में ऐसे मुद्दे उठाती? गजेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि भारत के संविधान में लिखा हुआ शिक्षा और स्वास्थ्य मौलिक अधिकार है और उस अधिकार को प्राप्त देना चाहिए, सरकारों की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और जब ये चुनाव होते हैं इनमें घोषणा पत्र बनाते हैं तो घोषणा, अभी चुनाव प्रचार हो रहे हैं, आप जैसे अभी देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं जो इसे जनता से कोई लेना देना नहीं है। सीधी तौर से कि जनता के लिए स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में कभी सोच है ही नहीं इनका, क्योंकि शिक्षा अभी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें इतनी बड़ी फीसें कर दी और बड़े बड़े लोग उनमें स्कूलों में भेजते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का अभाव होने के कारण वो लोग उसमें भेजते हैं। और सरकारी स्कूलों में तनख्वाह भी अच्छी है,
उसके बावजूद भी सुविधाएं नहीं होने के कारण लोग उधर भेजते हैं। तो मैं सरकारों से यही चाहता हूं कि भारत स्तर पे हमारे देश के जितने भी शिक्षा जगत के लोग हैं और शिक्षा के ऊपर सरकार को बजट भी होता है तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और उसमें अपनी तरफ से सुधार करना चाहिए। क्योंकि पिछली बार मैंने देखा दो तीन साल से राजस्थान के स्कूलों में शिक्षा में सुधार हुआ और जो एडमिशन परसेंटेज है वो भी बढ़ा है पिछले 2 साल से। तो मैं समझता हूँ अगर इस प्रकार अगर इस शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो। और दूसरा ये जो फ्री दवा योजना या जांच योजना है जो पीछे आपने देखा होगा भामाशाह योजना थी और दूसरी आप बता रहे हो अभी वो योजना है, तो इनसे जो जनता है उनमें जो गरीब जनता है उनको बहुत बड़ी रिलीफ होती है। इसके ऊपर सभी सरकारों को किसी की भी सरकार आए सबको उस पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल कहीं ना कहीं आवश्यकता है जैन साहब की सरकारों को शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देने का फोकस करना होगा। आपको लगता है राजस्थान में पेयजल बड़ी समस्या है? पेयजल राजस्थान में नहीं पूरे देश में बड़ी समस्या है। नदियों को जोड़ने की बात की जा रही है लेकिन अभी तक काम कहीं शुरू नहीं हुआ। एक आम आदमी को राजधानी में भी 500 रुपये का टैंकर पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। ऐसे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे भी जब लोग वंचित रहेंगे तो फिर आखिरकार ये चुनाव किस बात के लिए, चुनाव क्यों? कई बार तो ऐसा लगता है कि आदमी का ध्यान अपनी मूलभूत समस्याओं की ओर नहीं जाए, वो इन नेताओं से और सरकारों से नहीं पूछे कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। इसीलिए कई बार धर्म के, कई बार गाय के, कई बार एयर स्ट्राइक के, कई बार चौकीदार चोर के, कई बार राफेल के मुद्दों का शोर मचाया जाता है ताकि जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटका रहे और जो भावनात्मक भावनाएं हैं उनको भड़का कर ही चुनाव जीते जा रहे हैं। पर मैंने जैसे पहला भी कहा कि महंगाई कितना बड़ा मुद्दा, निश्चित रूप से महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई के साथ साथ जो मूलभूत आवश्यकता है कि जहाँ पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और महंगाई के साथ साथ दूसरा मुद्दा है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है रहने के लिए। आप भी देश की अगर बहुत बड़ी आबादी रहने के लिए छत से महरूम है, उनके बच्चे शिक्षा से महरूम है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े मुद्दे हैं। परंतु इन मुद्दों से हमेशा ध्यान भटकाने के लिए ध्यान कर दिया जाता है, शोर मचा दिया जाता है, कभी गाय को लेकर, कभी मंदिर मस्जिद को लेकर, कभी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इस बात को लेकर, कभी बालाकोट पर हमला कर दिया इस बात को लेकर, सिर्फ भावनाओं को। ये सिर्फ एक, मेरे ख्याल से ये भी एक इलेक्शन स्ट्रेटर्जी है कि जनता पर अगर हम मूल आवश्यकताओं, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे तो मेरे ख्याल से हम जनता को मुंह नहीं दिखा पाएंगे और इसीलिए इन भावनाओं को भड़काया, इसको मुद्दों को। बहुत बड़ी बात कही जनता आपने, यदि मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे तो जनता को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। और यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो मूलभूत मुद्दों से भटक गई है, जनता के जो मूलभूत जो बातें हैं उनसे भटक गई है कि उनको क्या सौगात देनी है, चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम करने हैं, मूलभूत आवश्यकताएं देनी, उन सब बातों को भूल चुकी है और उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, भले ही वो जाति धर्म सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो फोर्स कांड हो, चाहे राफेल हो, चाहे कोई दूसरा मुद्दा हो, कहीं ना कहीं भावनाएं भड़का कर सिर्फ और सिर्फ वोट लेना चाहती जिससे अपनी सरकार में भागीदारी बना सके, सरकार बनाई जा सके। अभी जनता जनार्दन के पास है कि वो किस तरह से फैसला लेती है, क्योंकि असल माए बाप लोकतंत्र में जनता ही होती है। आप दोनों मुद्दा गर्म में पधारे, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो देखा आपने किस तरह जैन साहब ने, गजन सिंह ने अपनी बात रखी और दोनों का कहना था कि राजनीतिक पार्टियां जनता को कहीं ना कहीं भुलावे में रखने के लिए मूल जो मुद्दे हैं उनसे भटक गई है और दूसरे विषय उठाकर वो जनता को गुमराह करती है, भ्रमजाल में फैलाती है ताकि वो गुमराह हो और किसी न किसी पार्टी को अपना वोट दे और जिससे वो सरकार बना सके। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के प्रयास हुए हैं। एक बार तो धोखे में लिया जा सकता है, रखा जा सकता है, लेकिन लगातार जब धोखा होता है तो कहीं ना कहीं उसकी सजा भी मिलती है। मुद्दा गर्म में आज के लिए इतना ही, ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।